નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં. અતિથિ એટલે કે ગેસ્ટ ઓફ ધ ડે. ગેસ્ટ ઓફ ધ ડેમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વને મળાવીએ છીએ આપની સાથે, તેમની સાથે વાતો કરીએ છીએ, અંતરંગ જાણવા કોશિશ કરીએ છીએ કે આટલી મોટી બહુમુખી પ્રતિભા, જાણીતી હસ્તીઓની પાછળ, દરેકની પાછળ એક પોતાનો અંદરનો એક માણસ છુપાયેલો હોય છે, અને તે વાતો કરીએ છીએ આ હાફ એન અવરના શોની અંદર, એટલે કે અતિથિ ગેસ્ટ ઓફ ધ ડેમાં. દર્શક મિત્રો, આજે અમારા અતિથિ કાર્યક્રમમાં અતિથિ બન્યા છે જાણીતા કલાકાર સુપ્રિયાજી. સુપ્રિયાજી, સુપ્રિયા પીરગાંવકર. સુપ્રિયાજી, આપકા સ્વાગત હૈ. યે યે આપકી સરનામે ના બહોત થોડી હટકે, ખાસ કરકે ગુજરાત મે પીરગાંવકર, યે કહાં સે બિલોંગ કરે, ખાસ કરકે પીરગાંવકર જો હૈ, યે યે ઇસકે પીછે ભી કુછ રાઝ હોગા. રાઝ યહી હૈ કે પીરગાંવકર યે મેરે હસબન્ડ કા સરનેમ હૈ જો મેને અભી અપનાયા હૈ. ઓર પીરગાંવ, જૈસે કે ગાંવ, ગાંવ હોતા હૈ, तो पिड़गांव ये गोवा, गोवा में पणजी के पास एक छोटा सा गांव है, और इस गांव के रहने वाले ये पिड़गांवकर है. तो काफी दो जनरेशन बम्बई में रह चुकी है, इसके लिए ऐसे नहीं है कि वहां पे अभी कोई है, लेकिन ये सरनेम हमारा तो बदल देनी चाहिए, मुंबई गांव कर कर देना चाहिए, मुंबई शहर कर, गांव नहीं शहर. मुंबई कर तो होते ही है, मुंबई कर तो होते सरनेम है. अच्छा अच्छा, तो अपने अपने अभी नेक्स्ट अगर सोचे तो मुंबई कर सकते हैं. सुप्रिया जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपका पहला स्टेप कब था इस प्रोफेशन में? मेरा पहला स्टेप मेरी 10 साल की उम्र में था. वो वाकई एक बेबी स्टेप था. एक स्पर्धा, अंतरशालीय स्पर्धा हुआ करती थी, जिसमें हर स्कूल की से एंट्रीज भेजी जाती थी चिल्ड्रन थिएटर में. तो उस कंपटीशन में हमारे स्कूल ने भी हिस्सा लिया था, और मेन रोल में तो मैं नहीं थी, एकदम छोटे से इतने से एक एंट्री और एग्जिट वाले रोल में थी, जिसमें मुझे उस साल मतलब आप 10 साल के थे या 10th में थे? ये 10 साल के थे, पांचवी कक्षा में. ओके, ओके. और मुझे रोल मिला, मैं गई देखने के लिए कि क्या मुझे रोल दे रहे, क्योंकि मुझे कोई दूसरा रोल तो दिया नहीं था जो मेन था, जो जैसे कि मेरे जैसे बच्चे थे उनको, तो मुझे क्या रोल दिया. मैं देखने के लिए गई और मुझे पता चला कि मुझे 80 साल की बुढ़िया का रोल करना है. और क्या था, तो बस एक एंट्री और एक एग्जिट. और फिर भी मेरे मन को ये बात बिल्कुल छुई नहीं कि अरे ये मुझे इतना सही रोल मिला और मुझे बुढ़िया का रोल मिला, ये बिल्कुल मुझे ऐसे कहीं नहीं लगा. तो मैं उसी एंथुजियाज्म के साथ मैं घर में आई, और मैंने घर में भी कहा कि मुझे ये रोल मिला, तो मेरे डैडी ने मुझे बोला कि तुम्हें पता है तुम्हें कितना अच्छा रोल मिला है, तुम्हें एक बुढ़िया का रोल मिला है, और तुम्हें छोटा सा ही सही लेकिन कुछ अलग मिला है, जो बाकी तुम्हारे जो क्लास के बच्चे हैं उन्हें तो उन जैसा ही काम मिला है. तो बस मैंने वो बात सुनी, और बाकी बचपन में तो ऐसे कुछ ध्यान नहीं देते हैं. नहीं, फैमिली में से कहीं बैकग्राउंड है क्या सुप्रिया जी का कि इस फील्ड में? बिल्कुल नहीं, मेरे पापा प्रोफेसर रहे हैं, मेरी माँ टीचर हैं, तो वो दोनों बिल्कुल ही इस क्षेत्र से ये नहीं जुड़े नहीं है. लेकिन हाँ, वो कला से जो संस्कृति होती है ना, वो संस्कृति उनमें है. जैसे कि वो नाटक देखना, मराठी में नाटक का कल्चर बहुत है, प्लेज का कल्चर बहुत है, तो वो देखना, अच्छे अच्छे गानों की महफिल में जाना, मतलब ये सारी कल्चर की वाली बातें हैं, बुक्स पढ़ना, तो इसमें वो लोग बहुत ही रस रखते हैं. सुप्रिया जी की शादी से पहले क्या सरनेम थी? सबनिस. सीधा मैं आ जाता हूं उस शुभ घड़ी पे जिस दिन आपकी और सचिन जी की पहली मुलाकात हुई थी. वो शुभ घड़ी 23 साल पहले आ गई थी, और वो शुभ घड़ी इसलिए आई क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड के साथ, सचिन जी के साथ, उनके डेब्यू डायरेक्टोरियल वेंचर में मैं काम कर रही थी. उन्होंने मुझे उनकी लीडिंग लेडी के तौर पे चुना था, और उन्होंने मुझे एक प्ले में देखकर चुना था कि प्ले देखने आए थे, और उन्हें मेरा किरदार बहुत पसंद आया, और वो उनका कहना है कि उसी वक्त मुझे तुम भी बहुत पसंद आई थी. तो मैंने सोचा कि किसी कैसी भी हालत में इस लड़की को अपने कैसे प्रपोज कैसे किया था, मतलब कुछ डेयर की वो पहले थे बिंदास थे कि उन्होंने बहुत सोचा भी होगा? बहुत सोचा था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पूरा एक साल लिया, जब तक फिल्म बनी तब तक उन्होंने उनके मुंह से एक छू भी नहीं निकाली कि मैं तुम्हें रुचि रखता हूँ या मुझे तुमसे शादी करनी है, कुछ बात नहीं. यानी हमारा ऐसे जैसे नॉर्मल आजकल लोग डेट करते हैं अपने एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ. उन्होंने शूटिंग के लास्ट दिन पर उन्होंने मुझे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
और मैंने उनको कहा कि हाँ मैं करूंगी। मतलब आपको मालूम था कि सच? बिल्कुल नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी मैंने हाँ कहा। अगर मुझे लोगों ने, लोग यही पूछते कि क्या तुम्हें कहीं भनक, मैंने कहा भनक भी नहीं, कुछ भी नहीं पता था। मैंने एक इम्पल्सिवली, मैंने कहा ना मेरे लाइफ में डेस्टिनी ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। मैंने कोई भी चीज ऐसे तय करके नहीं की, पिक्चर में आना भी तय करके नहीं हुआ, उसी तरह शादी भी नहीं। उन्होंने पूछा, मैंने हाँ जवाब दे दिया, जवाब में मैंने हाँ कहा। और मुझे अभी बहुत डर लगता है कि मैंने ऐसे कैसे हाँ कहा, मैं तो उनको जानती जानती तक नहीं थी, फिर भी मैंने हाँ कह दिया। और यहाँ अभी 23 साल हो गए हमारी शादी को। मतलब डिसीजन था सुप्रिया जा का बिल्कुल परफेक्ट लगता है। मैं सलाह नहीं दूंगी कोई भी 18 साल की लड़की को कि इतने ऐसे झटके में हाँ बोल दे। इम्पल्सिव डिसीजन था, लेकिन मुझे आशीर्वाद मिला। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं कि हर एक को इतने इम्पल्सिव डिसीजन में, मैं कुछ भी नहीं जानती थी उनके बारे में। मेरा पहला सवाल उनको ये था कि क्या आपके अभी तक शादी नहीं हुई? मतलब मैं इतना उनको नहीं जानती थी। एज ए डायरेक्टर आई न्यू हिम वेरी वेल, बट उन्होंने अपने आप को इतना ये किया था कि उन्होंने ऐसे कभी फ्लर्टिंग नहीं। कभी कभी लगता है आपको कि सचिन जी की मतलब एज के हिसाब से मैच्योरिटी बहुत ही ज्यादा हुआ, क्योंकि आप तो बहुत नजदीक से उनको जानते हैं। हाँ, क्योंकि यही तो, इसीलिए मुझे लगा कि मैं इनको पहले से जानती हूँ। मैं चूंकि उनसे उम्र में भी छोटी अगर रहूंगी तो मैंने उनको उनकी चार साल की उम्र से देखा है टेलीविजन पर, तो मैंने उन्हें बच्चे से लेके, क्योंकि टेलीविजन के वजह से मैं देख पाई ना उन्हें, यानी मैं थी भले 17 साल की, लेकिन मैंने उन्हें काफी पहले देख लिया था ना, तो ऐसे लगा कि ये मेरे अपने ही हैं। और जो मैच्योरिटी की जो आप बात कर रहे हैं, तो यही बात हुई कि वो 4 साल की उम्र से काम कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री में काम करके करके ही बड़े हुए हैं, और उनका जो भी एजुकेशन है वो इसी माध्यम से, यानी वर्क एक्सपीरियंस से उनका एजुकेशन हुआ है। सो उन्होंने काफ़ी दुनिया देखी है, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने वक्त बिताया है। एक्चुअली इतने सारे परीक्षित साहनी से के जो पिताजी बलराज बल्लाजी, इतने बड़े मीना कुमारी जी, ये सारे बड़े बड़े आरडी बर्मन, इनके साथ उन्होंने वक्त बिताया है, रुशिदा, तो ये तो बहुत ही उनके लिए एजुकेटिव रहा है, उनसे सब सीखा है उन्होंने, तो मैच्योरिटी भी उनमें वैसी ही आई है। फैमिली के बारे में कुछ बताइए सुप्रिया जी, फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली भी एक जॉइंट फैमिली है, मेरी मदर इन लॉ हमारे साथ ही होती है। मेरे ससुर का देहांत मेरी शादी से पहले ही हो चुका था, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। और मेरी बेटी है जो एक 18 साल की कॉलेज गोइंग लड़की है जो बहुत पढ़ाई में रुचि रखती है। और ये रही मेरी ससुराल, और मेरे मायके में मेरे माता पिता, मेरा भाई, बहुत ही क्लोज नेट फैमिली है। बहुत न्यूक्लियर नहीं है हम लोग, बहुत यहाँ वहाँ जैसे कि बड़ी जॉइंट फैमिली होती है, उस फैमिली से मैं आती हूँ, और इसीलिए यहाँ पर मुझे जॉइंट फैमिली मिली है। छोटी से ही ये जॉइंट फैमिली, मतलब ननंद और सास और इनके साथ ही है, छोटी है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी बहुत वैल्यू है। दर्शक मित्रों, सुप्रिया जी बात करी थे प्रमाणे फर्स्ट साइट लव, कदाच लव ना कहवाय परंतु फर्स्ट साइट डिसीजन। लव तो सचिन जी ए कर्यो हतो, परंतु जे भी प्रपोज करीने तरत एमने हा पाड़ी दी कि यस, आई थिंक ए टाइम एमने क्लिक थयुं कि यस दिस इज द बेस्ट चोइस फॉर मी। शरूआत में एवुं लाग्युं पण खरुं कि आ जरा झड़पथी निर्णय लई दीधो छे, परंतु आवनारा दिवसोनी अंदर शी रियलाइज कि यस सचिन जी एमना माटे रियल बेटर हा बधा। घणी बधी वातो करीए छे अंतरंग, परंतु समय थयो छे एक विरामनो। दर्शक मित्रों, विराम बाद फरी एक बार स्वागत है आपनु कार्यक्रम अतिथि में। बात कर रहे हैं आपने सुप्रिया जी से। सुप्रिया जी, आपने बताया जब 18 साल की मेरी बच्ची, जब आप मतलब बात कर रहे थे मुंह पे, मतलब जो मैं देख रहा था, थोड़ा उसके बारे में बताइए किस तरह से नटखट गुड़िया जो बड़ी होते होते अभी तो बिल्कुल मैच्योर, आपने बताया कि कॉलेज कर रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या बताऊं, मैं इतनी प्राउड माँ हूं ना एक कि टचवुड
जिस तरह से मैंने अपने बेटी को संस्कार देने चाहे थे, मतलब बचपन से जिस तरह से मैं पली बड़ी थी, वैसे ही मैं चाहती थी कि मेरे बेटी, क्योंकि मैं ये इस तरह के माहौल में हूँ ना, फिल्म लाइन में हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेरा उसके जो प्राइम ईयर्स है, बचपन के फॉर्मेटिव ईयर्स है, उस वक्त में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और बच्ची की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और फिर एक बार बड़ी हो गई, उसके बाद तो वक्त चला गया, मतलब अगर मुझे उसके साथ वक्त बिताना है तो उसी वक्त बिताना था, इसलिए मैंने काम काफ़ी कम किया था। और जो भी डिसीजन मैंने उस वक्त लिया वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत क्वालिटी टाइम बिता सकी। और बचपन से ही मैंने उसे, जैसे कि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, सारी कला हो या स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो। क्या लगता है आप, क्या क्या नाम है बिटिया का? श्रिया। श्रिया, श्रिया, श्रिया किस पे प्रॉपर, या सुप्रिया जी पे या सचिन जी? श्रिया अपने आप को कहती है कि मेरे जैसी है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल अपने पापा जैसी है। जिद्दी है? जिद्दी नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल सेंसिटिव है, बिल्कुल दूसरों फ्रेंडली है, बिल्कुल घुल मिल जाने वाली लड़की है, थॉट थिंकर है, ज्यादा करके थिंकर है, और उसके अपने विचार है जो जब वो बोलती है तो मुझे पता चलता है कि ये थॉट्स कहीं से पड़े हुए नहीं है, ये इसके मन के खुद के थॉट्स है जो वो कंट्रीब्यूट करती है। सुप्रिया जी, इस लाइन में मतलब सीनियर सीनियर, अभी तो आप जिस तरह से अपने मतलब 10 साल की उम्र में जो पहला कदम था, एक 80 साल की एक रोल किया था एक महिला का, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आपने अच्छे अच्छे मतलब अपने जो भी अभिनय के कारनामे दिखाए, क्या लगता है सुप्रिया जी कॉमेडी सीरियल में फिट बैठती है दिल से? क्योंकि ऐसा मत बोलना कि मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मैं हर एक जो भी रोल मुझे मिलेगा वो मैं करूँगी। मैं सीधा जवाब जानना चाहता हूँ, सुप्रिया जी खुद को किस टाइप के रोल में कम्फर्टेबल फील करती है? कम्फर्ट लेवल मेरी कॉमेडी में तूतू मैमे के 3-4 साल बाद इतनी ज्यादा हो गई कि मुझे कॉमेडी कुछ करना ही नहीं पड़ता था। मतलब अदरवाइज इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट मुझे वो करने के लिए बहुत ही ईज महसूस होने लगी थी, तो इसलिए मुझे लगा कि अभी मुझे ये बहुत ही आसान लग रहा है तो मैं दूसरा कुछ ट्राई करूं। लेकिन दूसरा कुछ करने के बाद मुझे पता चला कि वो कितना डिफिकल्ट है, और वो डिफिकल्ट जो है उसे आसानी से या ईज से परफॉर्म करना वो काफ़ी कम लोगों के सौभाग्य में आता है, इसीलिए मैं खुद को अच्छे अच्छे कॉमेडी किरदार में देखना पसंद करूंगी। वो मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि लोगों को हंसाना ये ज़्यादा मुश्किल है। एक बार सुप्रिया जी कॉमेडी मतलब कोई भी सीरियल करने में एक एस्टैब्लिश रोल हो जाता है, उसके बाद कोई भी आर्टिस्ट अगर अपना जो भी किरदार है वो चेंज करने की कोशिश करता है तो कहीं एक्सेप्टेंसी में बहुत प्रॉब्लम आता है। जैसे कोई सीरियस रोल करना चाहा किसी ने भी, तुरंत ही व्यूअर्स विल नॉट एक्सेप्ट। हाँ, दे डू नॉट एक्सेप्ट, लेकिन वो इतने भी डिसेंसिटिव नहीं होते, इनसेंसिटिव नहीं होते, कि वो अगर वो अच्छा जा रहा है ना, अगर वो अच्छे कर पा रहे हैं ना, तो वो धीरे धीरे एक्सेप्ट हो जाते हैं। जिस तरह से लोगों ने मुझे तूतू मैमे की बहू के रूप में एक्सेप्ट किया था, उसी तरह से आज राधा के रूप में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट आपने सही कहा, ये लोगों को एक्सेप्टेंस में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये हमारा माइंडसेट है, और ये इसलिए होता है क्योंकि लोग बहुत स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, और ये स्टीरियोटाइप होने का कारण भी यही है कि एक काम मेरा ये राधा का बेटी का काम कोई डायरेक्टर देखेगा तो दूसरा रोल भी मुझे राधा की बेटी जैसा ही देगा ना, मुझे वैम के रूप में वो बोलेगा कि वो कास्ट ही नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम सब वहीं से शुरू होती है। लोग एक्सेप्ट करते हैं, हम ही लोग फॉरेन की फिल्म में अलग अलग किरदार में कैसे लोगों को, हाँ, लेकिन यहाँ हम खुद का नहीं कर सकते क्योंकि हमें डायरेक्टर से कास्ट ही नहीं करते। अगर एबल है, अगर अब जाके वो हो रहा है अभी ट्रेंड थोड़ा बदला, हीरोज भी नेगेटिव रोल्स में आने लगे, पहले जमाने में कहा वो लोग कभी नहीं करते, लेकिन आजकल वो कॉमेडियन भी है, आजकल वो मल्टीपल रोल एक ही रोल में करते। सुप्रिया जी, मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने बताया, बहुत प्राउडली बताया आपने कि जैसे कि महाराष्ट्रियन कल्चर जो है वो ड्रामा बहुत पसंद करता है, अच्छे म्यूजिक भी पसंद करता है, कहीं लगता है आपको कि जो डोमिनेशन महाराष्ट्र का था एक्टिंग में, अगेन ये बात आपको दिल खोल के जो सच बात है आज कहनी होगी कि महाराष्ट्र का जो डोमिनेशन था एक्टिंग के मामले में, कला के मामले में, कहीं वो ओवरटेक कर लिया है गुजरात?
हो सकता है महाराष्ट्र का आजकल, जैसे भी मैंने आपको पहले भी कहा कि स्टीरियोटाइपिंग बहुत होती है, तो महाराष्ट्रियन इसकी जो स्टीरियोटाइपिंग हुई है ना कि बस काम कर रहे हैं उसी में करो या ऐसे टाइप में स्टीरियोटाइप, ये महाराष्ट्र की सिर्फ वो गांव वाली भाषा में बात करो, ऐसे नहीं होता है ना। अभी एक चेंज ऐसे नहीं होता है, लेकिन काम करने वाले और काम देने वाले ये दोनों लोगों को ये ध्यान में रखना है। अगर आज मेरी पोजीशन है कि मैं काम ये बोलूं कि नहीं करूंगी ये रोल, तो मैं नहीं रोल करूंगी, इसमें मेरा लॉस है, और काम देने वाला बोलेगा कि ये नहीं कर रही है, तो उसको अभी लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये बात भी हो जाती है। तो ओवरटेक करने की बात है तो अच्छे एक्टर्स तो एक दूसरे को ओवरटेक कर ही लेते हैं। कई बार इसको आगे जाने के लिए कई चीजें होती है जो काम में आती है, जैसे कि सपोर्ट करना। अगर जैसे कि अपने यहाँ हम देखते हैं कि जेडी भाई जो है वो गुजराती एक्टर्स को उन्होंने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन वही गुजराती एक्टर्स आज इतना अच्छा कर रहे हैं, तो तब उन्होंने जसुबेन में जाके भी उन्होंने अच्छे जो उनके स्टारकास्ट है उसने उन्होंने मराठी एक्टर्स को, एक पैकेट उम्मीद में मराठी एक्टर्स कितने सारे, मतलब वो ये नहीं सोचते कि ये गुजराती है मराठी मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि एज अ मेकर ही इज अ रियल मेकर बिकॉज ही इज थिंकिंग ऑफ एक्टिंग। कौन कैसी एक्टिंग करता है वो ज्यादा देखना जरूरी है। सुप्रिया जी, एक्टिंग की बात करें तो अगेन मैं वहीं पे आऊंगा, खास करके सीरियलों के मामले में, टीवी सीरियल्स में। अगेन ये एक तीखा सवाल है और सही में लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या एक छोटे से इश्यू को, एक छोटा सा इश्यू, जैसे प्रेस में भी आपने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि हो सकता है कि 5 मिनट में जो बात कह सकते हैं कोई भी डायरेक्टर हो उसके लिए 30 मिनट तक की एपिसोड को लंबा खींचा जाता है, और स्टीरियो बिल्कुल स्टीरियोटाइप। तो क्या क्या लगता है कि ये धीरे धीरे आने वाले दिनों में सभी चैनल के लिए ये नुकसान करेगा? नुकसान हो चुका है बहुत ज्यादा। अभी वो नुकसान को जान के वो मेरे ख्याल से लाइन पे आएंगे, ऐसे मुझे लगता है। यानी ज्यादा करके अभी जो पहले होता था कि वो इतने सालों से जो चला आ रहा है, अभी लोगों को उब गए हैं लोग, इसीलिए तो अच्छी अच्छी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग आ रही है, अलग टाइप की प्रोग्रामिंग आ रही है। और अभी इसमें क्वालिटी देना भी एक तरह के बहुत बड़ा काम है, जो क्वालिटी अभी जैसे कि डीजेस के ये जो राधा की बिटिया हो या फिर जसुबेन हो या फिर और भी अच्छे अच्छे जो बा बहू हो, इसमें भी अलग अलग टाइप के इश्यूज आ रहे हैं, वो अच्छे प्रोग्रामिंग ही दे रहे हैं। वो छोटे इश्यूज वाले खींचने वाली जो बात है अभी बंद हो जाएगी जल्दी, मुझे लगता है। लोग जैसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आने लगेंगे ना तो वो देखना कम करेंगे, ये मुझे पता है, ये विश्वास मुझे लोगों में है। टाइम लग रहा है बिकॉज उनको क्या है ना, चैनल आने के बाद देख रहे हैं ना, फ्री में देख रहे हैं तो देख लेते हैं जो भी है वो टाइप का, लेकिन अच्छा अच्छा आएगा तो वो देखना वो बंद करेंगे और फिर अच्छे ही प्रोग्राम्स रहेंगे। विश करते हैं कि आपकी जो भी मतलब आपका भरोसा है बिल्कुल वही हो जो आने वाले भी दिनों में। दर्शक मित्रों, घनी बातों करिए छे, हवे पछीना पार्ट में बिल्कुल अंगत बातों करिए छे सुप्रिया जी साथे, एक ननका ब्रेक बाद। विराम बाद फरी एकवार स्वागत है आपनुं कार्यक्रम अतिथि में। बात कर रहा है आपणे जाणीता आर्टिस्ट सुप्रिया जी साथे। सुप्रिया जी, अब तक जितने भी सीरियल किए फिल्म किए, सबसे बुरी एक्टिंग कौन सी थी आपकी? मेरी आएगी अभी थोड़े दिनों के बाद रिलीज होगी कौन सी आ रही है पहले से बता दो तो। मजाक कर रही हूँ, मैंने इसीलिए बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतनी बुरी एक्टिंग की है। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। कभी कभी कभी, क्योंकि आप तो एक ऐसे शख्सियत के साथ 23 साल से रह रहे, यानी कि आपके पति श्री सचिन जी अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे डायरेक्टर, मतलब बोलो तो ही इज अ गाइड कि कैसे ये फील्ड में आना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसको क्या फिट होता है, क्या सूट होता है, बिल्कुल एनसाइक्लोपीडिया बोल सकते हैं। ऐसे सचिन जी आपको ज्यादातर कौन सी बात पे टिप्स देते हैं कि सुप्रिया ये तूने नहीं किया, मैंने लास्ट टाइम भी तेरे को बताया था, ये इंप्रूव करो, ऐसी कौन सी एक बात है जो सबसे ज्यादा टोक टोक करते हैं?
वो बिल्कुल एक्टिंग के बारे में, हाँ इम्प्रूवमेंट नहीं, वो मेरे को खाने के बारे में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स के टिप्स देते हैं क्योंकि वो एक बहुत दर्दी है खाने के, और एक्टिंग में इनफैक्ट अदर वे राउंड होता है, वो मुझसे हमेशा सलाह मांगते हैं और वो मुझे ये मान देते हैं, ये उनका सबसे बड़ा बड़ापन है। और खाने के बारे में वो बहुत दर्दी है, और वो यहाँ वहाँ की रेसिपीज किधर भी किसी के घर में जाएंगे तो मैं नहीं पूछती, वो पूछ लेते हैं, और बाद में घर में आके मुझे बोलता है वो याद है, वो किया था उन्होंने, ऐसे ऐसे किया था, वो ऐसे कर ऐसा बना के लाओ। आपको क्या, कौन सी डिश पसंद है? मुझे मैं उनके जितनी नहीं, लेकिन मैं भी शौक रखती हूँ खाने की, चटपटा खाना ज्यादा पसंद है, लेकिन गुजराती खाना भी मुझे बहुत पसंद है, उंधिया मुझे बहुत पसंद। ओके फाइन, सचिन जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? वो गाते हैं ना, जब वो गाते हैं और जब वो अपने अपने एक्चुअली लिखे हुए जो शेर पढ़ते हैं, उनमें ये बहुत हिडन टैलेंट है, वो बहुत अच्छे शेर लिखते हैं, गजलें बहुत अच्छी लिखते हैं, उनका उर्दू का अभ्यास बहुत अच्छा है, तो ये बातें मुझे बेहद पसंद है उनकी, उनके टैलेंट की। सुप्रिया जी भी अच्छा गाती है? नहीं, कभी कभी कभी, जब सचिन जी बोलते हैं तो नहीं। सुप्रिया जी को कौन सा सिंगर पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे सोनू निगम आजकल, और पहले किशोर दा। ओके, किशोर दा का सबसे बढ़िया गाना कौन सा लगता था? पल पल दिल के पास, वो वाला। नहीं मजा आया थोड़ा? तुम रहती हो जीवन मीठी प्यास, तुम कहती हो पल पल दिल के पास। बहुत अच्छे। सुप्रिया जी को गुस्सा कब आता है? बहुत स्टूपिड चीजों पर आता है, और कभी कभी बहुत गुस्सा आने वाली बात होती है तब मैं बहुत शांत रहती हूँ, अनएक्सपेक्टेड चीजों में गुस्सा आ जाता है। कैसे रिएक्ट करते हैं सुप्रिया जी अपने गुस्से को? रियल गुस्से में मैं बहुत फिजिकल हो जाती हूँ, एक्चुअली जो गुस्सा होता है तब दरवाजे ढाम ढूम कर सकती हूँ। लास्ट गुस्सा कब आया था? लास्ट गुस्सा याद नहीं, बहुत कम गुस्सा आता है, बहुत कम आता है। सचिन जी से कभी नोकझोंक भी होती होगी? हाँ, वो भी कम होती है। हाँ कम होती है, लेकिन ऐसी कोई नोकझोंक की नहीं, ये लंबा चला था, दो दिन मैं सहन नहीं कर सकती, बस हम लोग में ये पैक्ट हो गया है कि वो उसी दिन खत्म होना चाहिए, मतलब रात को सोते वक्त हम लोगों ने ये डिसाइड ही कर लिया है कि एक दूसरे को एक जोक या ऐसे कुछ कह के या वो गाना गा के एक दूसरे को हम लोग मना लेंगे, और ये ऐसे भी नहीं कहना पड़े कि मैं तुमको मना रही हूँ या ऐसी बात, ऐसे कुछ नहीं, मतलब वो एक सिग्नल है, किसी को कोई सॉरी नहीं भूलेगा, ये हो गया मतलब चलो किस्सा खत्म। ओके सुप्रिया जी, लाइफ में हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा? जब मेरी बेटी पैदा हुई। एम्बरेसिंग मोमेंट मेरे बहुत होते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत एम्बेरेसिंग चीजें बोलती हूँ, झट से बोल जाती हूँ, मुझे दिमाग में तो नहीं रहती, लेकिन ऐसे में हो सकता है मैं अभी यहाँ मैं ट्रिप होती रहती हूँ हमेशा, अगर मैं यहाँ से उठूँ और यहाँ जाऊँ तो मैं ये शायद गिलास आपके ऊपर पानी गिर जाए, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे किस्से होते हैं। ओके कोई एक ऐसा लाइफ का डिसीजन कि लगा हो कि ये बहुत ही कठिन डिसीजन था, बहुत ऐसे हार्ड डिसीजन आपने लिए होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा डिसीजन? मैंने लिया ही नहीं हार्ड डिसीजन अभी तक, मैंने हमेशा अपने आप को फ्लो के साथ जाने दिया, और जब ऐसे इतना कठिन डिसीजन लेने के वक्त आया तब सिचुएशन मेरे लिए इतनी इजी हो जाती है कि मैं ज्यादा उसमें नहीं सोचती, मेरा एक ये नेचर है, मतलब मैं बहुत लाइफ को लाइटली सीरियस हूँ मैं ऑफकोर्स चीजों के बारे में, लेकिन इतने मतलब ओवर कॉन्शियस नहीं बनते आप? बहुत नहीं, आई जस्ट गो विद द फ्लो हाउ इट कम्स। ओके फाइन, क्या ड्रीम सुप्रिया जी, अभी भी क्या लगता है कि ये करना बाकी रहेगा? बहुत कुछ करना बाकी है, मुझे करियर के लेवल में भी बहुत काम करना बाकी है, मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं ओवर एम्बिशियस या एम्बिशियस भी नहीं हूँ, फॉरगेट ओवर एम्बिशियस, एम्बिशियस भी नहीं हूँ, अगर नहीं कर पाई तो ठीक है, लेकिन चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को, मेरे हस्बैंड को तरक्की करते हुए देखूँ, और खुद के बारे में कहूँ तो मैं कुछ ऐसे करना चाहती हूँ सोसाइटी में जो कुछ सोशली एंटरप्राइजिंग हो, मतलब नॉट लाइक अ शॉप और एनीथिंग, बट काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूट, सम इंस्टीट्यूट विच विल सर्व सम सोशल कॉज।
इतने सालों से ये फील्ड में है, आपने बहुत मतलब आर्टिस्ट को आते जाते देखा है, खास करके न्यू जनरेशन ये फील्ड में बहुत उनको जोश होता है कि यहाँ नेम एंड फेम है, चलो फटाफट घुस जाते, क्या कमियाँ क्या दिखती है उनमें? मैं अच्छी चीज़ों के बारे में बाद में बात करूँगा, क्या कमियाँ है जो फ्रेशर है अभी जो आ रहे हैं इस? मेरे ख्याल से पेशेंस ही उनमें थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये भी मैं कहूँगी वो रॉन्ग शायद होगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारा कितने हार्डवर्क कर रहे हैं, एम्बियंस या एनवायरमेंट इज नॉट सो इजी फॉर देम, कितनी कॉम्पिटिशन बढ़ गई है, तो पेशेंटली इंतज़ार थोड़ा बहुत करके अपने वैल्यूज रख के जो चाहिए वो करने का प्लान करने के, मटेरियलिस्टिक चीजें पहले ही एकदम है इसलिए नहीं लगे, लेकिन अगर अच्छा कहने का मौका है तो मेरे साथ जो तीनों लड़कियां हैं काम करती है वो हमेशा इसको बिल्कुल रॉन्ग प्रूव करती है, तीनों के तीनों, मतलब वो जो बाकी उन्हें भी चाहिए लेकिन उन्हें जिस तरह से सीढ़ी चढ़नी है, स्टेप बाय स्टेप चढ़नी है उनके डिसीजन लेने की, बल्कि अगर मैं उस एज में मैं अपने आप को सोचती तो मैं इतनी बिल्कुल ही कॉन्शियस नहीं थी अपने करियर को लेकर, ये बहुत बच्चे आजकल तो बहुत कॉन्शियस है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग विच वॉज कम्प्लीटली मिसिंग इन आवर जनरेशन आई फील। सुप्रिया जी, लास्ट में सुप्रिया जी जो भी ये मकाम पर पहुंची है किसको श्रेय देना चाहेगी? मेरे माँ बाप को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये आज भी मैं जब कहती हूँ कि मुझे नहीं करना, तब आज भी मुझे मेरी माँ डांटती है, ऐसे नहीं कि सुप्रिया तू इतनी बड़ी बन गई, तो उसके लिए मैं आज भी उतनी ही छोटी हूँ और विद्यार्थी हूँ कि मुझे वो सलाह देती है कि जो तुम्हें दिया है भगवान ने, जो टैलेंट दिया है उस टैलेंट को तुम्हें करना है, तुम क्या बात कर रही हो छोड़ने की, क्या घर में बैठ के क्या खाना पकाने में, क्या हम लोगों के पास ऐसे काफ़ी सारे हैं लेकिन तुम्हें ये करना है, उन्होंने मुझे पुश किया इसलिए मैं आज इस मकाम पे हूँ, अगर वो नहीं करते पुश तो मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच सुप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मतलब जो भी आपने बोला कि आपका कोई ड्रीम तो नहीं है लेकिन अगर कोई भी ड्रीम हो जल्दी से आपका पूरा हो जाए, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शक मित्रों जोड़ते प्रमाणे सुप्रिया जी साथ ने आ मुलाकात खूब ज अंगत बातों करवानो प्रयत्न करो, अंतरंग बातों करवानो प्रयत्न करो, अतिथि कार्यक्रम में फरी मिलीशु नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथ, त्यां सुधी आप सब नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्कार।